मैं भी जाना चाहती हूँ, वो मेरे पिता हैं, वो मेरी माता है वहां पे, वो मेरी बहनें हैं, वो मुझे कभी भी मेरा तिरस्कार आपका तिरस्कार नहीं कर सकते। शिव जी ने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे पिता के यज्ञ में बाधा पड़ेगी, लेकिन तुम्हें अगर इच्छा है तो तुम जाओ। उन्होंने अपने दूत के साथ माता सती को अपने पिता दक्ष के यहां भेजा। सती जब वहां गई तो उन्हें आश्चर्य हुआ, किसी ने उसका सत्कार नहीं किया। सती ने अपने पिता से पूछा, दक्ष आपने सारे अपने सारे दामादों को इतने ऊंचे आसन दिए, सारे जो अपने गेस्ट बुलाए थे अतिथि उनको ऊंचे आसन दिए, मेरे शिव ने ऐसा क्या किया जो आप उनका ऐसा तिरस्कार कर रहे हो? राजा दक्ष बोले, शिव वो किसी प्रकार से भगवान नहीं है, वो तो एक अघोरी बाबा है जो पर्वतों में घूमते रहते हैं। तुम अपने वस्त्र देखो, अपने बहनों के वस्त्र देखो, उनके आभूषण देखो, अपना तन के कपड़ा देखो, तुम किसी भी तरह से तुम और तुम्हारे पति हमारे योग्य नहीं। माता सती को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने कहा जहां मेरे पति का अपमान हो सकता है मैं वहां क्षण भर नहीं रहूंगी। लेकिन वो चाह के भी किसी की कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी, माता थी, पिता थे, बहने थी, दामाद थे, गेस्ट थे। उन्होंने क्या किया, उसी अग्नि कुंड में अपनी समाधि दे दी और वो कथा प्रचलित हुई। तो सती जी ने अपने पति के मरने पे उनकी चिता पे सती वो नहीं बनी, उनका नाम महारानी सती था और वो केवल अपने पति के अपमान का बदला लेने के लिए, अपने परिवार को सबक सिखाने के लिए कुंड में समाई। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, प्रभु नारायण नारायण हरि हरि, प्रभु नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, प्रभु तेरी गुहाए के अति पावनी, बह समीप सुर सरी सुहावनी, असम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। आहा कितना सुंदर पवित्र और रमणीय स्थान है, समय भी पवित्र गंगा जी बह रही है, मन करता कुछ समय यहाँ बैठ कर भगवान का भजन करना चाहिए। नारायण नारायण। इंद्र है नाम है, हाँ जब तक ये स्टेज सेट हो रहा है, राम है अभी आपके सामने, इंद्र का दरबार, इंद्र ही छुट्टी है। इंद्र है नाम मेरा, जगत में हूँ छाया, तू देवताओं का राजा, ईश्वर का बनाया। लाल आज सबक क्या खेल रही है, मानो चमन में चमेली की कली खिल रही है। जाओ अप्सराओं को दरबार में हाजिर करो। सुनो फर्श बिछाओ चकमा, करो सभा तैयार, दिन जाता है कि जलसा देखू आज। Thank you.
लाल देव क्या कारण है जो हमारा सिंहासन हिल रहा है? क्या पता महाराज, मेरे समझ में कुछ नहीं आता। तो जाओ कालिया देव को दरबार में हाजिर करो। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो, आज्ञा कीजिए। सेवक को कैसे याद किया? कार्य देव, आज जब हम गाना सुन रहे थे अचानक से हमारे सिंहासन हिलने लगा। इसका क्या कारण है समझ में नहीं आ रहा, क्या तुम इसका कारण जानते हो? महाराज कई हवा से हिलने लग गया होगा। अरे मूर्ख, हमारा सिंहासन हवा से नहीं हिल सकता। तो महाराज की चुनौती लग रहे होंगे। मूर्ख, आज तो तुम पागलों जैसे बात कर रहे हो। कई चूहे और बिल्ली से भी हमारा सिंहासन हिल सकता है क्या? क्यों नहीं हिल सकता महाराज? मैं एक रोज अपनी चारपाई पर सो रहा था, बिल में से एक चूहा निकल कर मेरी चारपाई के नीचे आ गया। वहीं पर एक बिल्ली आ गई, चूहे पे झपटी, बिल्ली और मेरी चारपाई ही नहीं। चुप रहो, बकवास बंद करो और जाकर पता करो कि कौन ऐसा है जो हमारा सिंहासन बल से छीनना चाहता है। जो आगे महाराज। आज जब तक था तुम्हें पृष्ठभूमि बता दूं। नारद हिमालय पर्वत में एक बहुत ही पवित्र गुफा थी जिसके समीप माँ गंगा नदी बहती थी। एक बार वहां परम पवित्र सुंदर आश्रम देखकर नारद जी को यह अत्यंत सुहाना लगा और उन्होंने भगवान के चरणों में समाधि लगा दी। नारद जी की तपोमय स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए जैसा आपने देखा और तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने कामदेव को भेजा और हम देखेंगे वो उसका चित्रण। नौकरी ना कीजिए, घास खोद कर और खोदे आसपास आप दूर हो जाए। कौन जाए कहा जाए, महाराज का कहना है कि हमारा सिंहासन छीनने के लिए कोई तपस्या कर रहा है। इतने बड़े संसार में पता लगाना कठिन है, पर भाई नौकरी तो करनी है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मुझे ये दर दर के भटकाए, तेरी चोटक के थी झोपड़ी पटकी ना पाए। अरे बाप रे, ना ये ना नारद है। अब क्या करूं मेरी मैया, थक तेरी खोपा पहाड़ निकली चुईया। बाबा अरे वो नारद बाबा, अरे मुस्टंडे, ये तो प्राणों पर बनी है। और बाबा तो बोलते और बाबा तो नहीं बोलते, कनागतों का मार खाकर मोटे हो रहे। खैर बाबा तो चाहिए तो बोल या मत बोल, मेरा तो काम हो गया। बोलता तो मैं तुझे सावधान करता था। मालूम होता है यही महाराज का सिंहासन छीनना चाहते थे। चलकर महाराज को बोलना चाहिए। वापस चलते हैं इंद्र के दरबार में। इंद्र पड़े प्रतीक्षा कर रहे हैं लोग आकर उन्हें कुछ शुभ समाचार देंगे। उनका सिंहासन बिल्कुल ही सुरक्षित है।
हमें प्रार्थना कीजिए। कहो क्या सूचना लेके आए, बताओ वो कौन है जो हमारा सिंहासन छीना चाहता है। महाराज ये मालूम था कि कुंडलों में देव ऋषि नारद को तपस्या कर रहे हैं और वही आपका सिंहासन छीनना चाहते हैं। क्या कहा, देव ऋषि नारद हमारा सिंहासन छीनना चाहते हैं? ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि ऋषि मुनि भी राज आसन पाने के लिए तपस्या करने लगे। खैर बताओ काले देव, अब क्या उपाय करना चाहिए? उपाय तो बहुत सरल है महाराज, आप अपनी मुद्रा कामदेव को भेजकर उनकी तपस्या बंद कर दीजिए। बहुत अच्छा, जाओ और मित्र कामदेव को बुला कर लाओ। प्रणाम देवराज, आज क्या कर रहे हैं जो अपने दोनों और सुर समाज में चिंतित हैं? अंकल तुम्हें साथ मित्र का धर्म है, सच्चे मित्र का धर्म यही नौजवान राज मित्र हो है, राज का कर्म यही मित्र हो। देवर्षि नारद तपस्या के बल पर हमारा सिंहासन छीना चाहते हैं और इसी उद्देश्य से हिमालय पहाड़ की कंदराओं में घोर तपस्या कर रहे हैं। उनका ध्यान छुड़ाना अति आवश्यक है, इसलिए आप कष्ट दिया। इसमें कष्ट की क्या बात है, मेरे ही नाम का डंक बजा करता है अंकल, मेरे ही रूप की चर्चा हुआ करती है दुनिया। मैं बन के जल की शीतलता बाहर करता हूँ सबला, मैं बन के भी कर महंगा करता हूँ के बदले, जगत जिसकी आराधना करता है वह मैं, जगत पालक के मन में बसता करता है वह मैं। तो जब जिस तरह भी हो भारत जी का ध्यान कौन सी बड़ी बात है नाथ, अभी ऋषि राज के ध्यान में। मित्र तुमसे मुझे यही आशा है, काले देव तुम भी कामदेव के साथ जाओ। चलते हैं वापस हिमालय में जहां देव श्री नारद तपस्या में लीन हैं और देखते हैं शांति बनाए रखें। हमें देखना है लाला जी की तपस्या हम न हो आपके शो में। हेलो, चलता है काम अपने लगान फिर भी डाल दे प्लान। तपस्या भंगी हुई, कोई बात नहीं, यह तो मेरा प्रथम अस्त्र है। चलता है काम का द्वितीय सहायक मदने जी मोटे मुनि नायक। है ये क्या, अब सराब की मधुर गायन से भी देवर्षि का ध्यान भंगी हुआ?
हमारा भ्रम भ्रम नहीं था। कल्याण देव तुम्हारे पास अभी और भी उपाय है। कौन हमारे पास चलते है गति तीन कर चलती है भी निकंज कर ठीक है हम और उपाय करते हैं। चलता है चतुर्थ का मुख साकार चार और हो जाए चतुर्थ का महाराज आपने नदिया में महाराज आ गया हो तो नाल जी का ध्यान बैठ जाए। हाँ हाँ तुम भी अपनी कोशिश करो। यह क्या करते अब तो ऋषिराज के शरण में जाने के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है। त्राहिमान त्राहिमान मैं आपकी शरण में हूँ मेरी रक्षा कीजिए। कौन आपका सेवक कौन है क्यों आए हो आपका ध्यान चुराने मेरा ध्यान चुराने लेकिन क्यों महाराज आपकी तपस्या के प्रभाव से देवराज इंद्र का सिंहासन नहीं होता। उन्होंने विचारा था कहीं आप उनका सिंहासन तो नहीं छीनना चाहते थे इसलिए देवराज ने आपका ध्यान चुराने मुझे भेजा है। इंद्र ने भेजा है कामदेव इंद्र तो हमेशा से ही डरपोक ना है उसके लिए इंद्रासन बहुत बड़ी चीज होगी हम जैसे योगियों के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। जाओ देवराज से बोल दो कि भविष्य में ऋषि मुनियों की तपस्या में विघ्न ना डाले नहीं तो कोई श्राप देकर भस्म कर देगा। जो आगा महाराज हेलो ये तो चमत्कार हो गया था। कामदेव भी नारद का कुछ नहीं बिगाड़ पाई समस्या नहीं तोड़ पाई ये आज तक समस्त पुरुष जाति के लिए चैलेंज बना हुआ है कि कैसे नारद प्रभावित नहीं हुए थे और शांति बनाए रखें। अरे कई बार मित्र रामचंद्र की इसी तरह से शांति बनाए रखे कई बार मित्र क्या मेरा काम हो गया। हाँ किंतु महाराज से वश निकाल है कि इस तरह ऋषि मुनियों को सताएंगे तो वे श्राप देकर भस्म कर देंगे और कहा है कि तू सिंहासन के लिए तपस्या नहीं कर रहा हो इसी करने की कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा जो देवर्षि यहाँ आएंगे तो हम उनसे क्षमा मांग कुछ समाचार भोलेनाथ को भी सुनाना चाहिए ताकि वे भी पहचाने अब मैं कामदेव विजेता हूँ। हर हर महादेव भगवान आज मैं मृत्यु लोक से आ रहा हूँ। भगवान एक बार मैं डूबता हुआ हिमालय पर्वत पर चला गया
वहां की सुंदर और रमणीय जगह देखकर मैं भजन करने बैठ गया। ये तो बहुत सुंदर बात है। फिर क्या हुआ? फिर क्या भगवान, मेरे भजन के प्रताप से इंद्र का सिंहासन हिल उठा तथा उसने घबराकर कामदेव सहित अपने अप्सराओं को मेरा ध्यान चुराने भेजा। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? फिर क्या होता भगवान, कामदेव परास्त होकर मेरे चरणों में गिर कर त्राहिमाम करने लगा। इसलिए हे प्रभु, आज मैं कामदेव को जीत कर आ रहा हूँ। ना रहा है। मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ, ये जो बातें तुमने मुझे सुनाई है, ये बात भगवान विष्णु से बात करना, क्योंकि भगवान गर्भवाले में वो किसी का गर्भ नहीं रहना। और पुत्र नारद, भगवान के सामने यह प्रसंग छल भी जाए तो इसे गुप्त ही रखना, इसी में तुम्हारी भलाई है। क्या प्रभु, भगवान से ना कहूँ? ऐसा शुभ समाचार भगवान से ना कहूँ तो किससे कहूँगा? देव ऋषि, हम तो यही कहेंगे कि तुम भगवान विष्णु से यह बात मत करना। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। क्या जाना चाहते हो? अच्छा, किसी को बढ़ते हुए देवता भी ईर्ष्या करते हैं। जब भगवान शंकर कामदेव को नहीं जीत सके तो मुझे मना करते हैं कि यह समाचार भगवान विष्णु से ना कहो, क्योंकि वे यह नहीं चाहते कि जिस कामदेव को वे नहीं जीत सके उसका विजेता मैं बनूं। भला यह समाचार भगवान विष्णु से नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा? मैं तो कहूंगा और अवश्य ही कहूंगा। देखे इस विषय में पितामह ब्रह्मा जी की क्या राय है। पितामह ब्रह्मा को प्रणाम। आज तो बड़े दिनों बाद आ रहे, कहां से आ रहे हो? नारायण नारायण, पितामह, आज मैं मृत्यु लोक से कामदेव को जीत कर आ रहा हूँ। तो क्या तुमने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है? हाँ पितामह। यह तो बहुत अच्छा समाचार है पुत्र, लेकिन जो बात तुमने मुझसे कही है वो भगवान विष्णु से मत कहना, क्योंकि वो गर्भहारी है, किसी का गर्भ नहीं रहना, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। तो ठीक है पुत्र, फिर शीघ्र। ये था ब्रह्मा का दरबार। दोनों ने एक ही बात कहते हैं, यह बात भगवान विष्णु से सकते हैं, वे तो मेरे प्रभु हैं, सखा भी हैं। ऐसे शुभ समाचार भला उन्हें नहीं कहूंगा तो और किसे कहूंगा? है ऋषिराज, अब की बात तो आपने बहुत दिनों से दिया है। हे प्रभु, एक दिन में घूमते घूमते उत्तराखंड की ओर चला गया। वहाँ हिमालय पर्वत पर सुंदर स्थान देखकर भजन करने लग गया। मेरे भजन के प्रताप से इंद्र का सिंहासन हिल उठा। इंद्र ने घबराकर कामदेव को मेरा ध्यान छुड़ाने भेजा। कामदेव अंत में अपनी तमाम तनाव को परास्त होकर त्राहिमाम कहकर मेरे चरणों में गिर गया। इसलिए हे प्रभु, आज मैं कामदेव को जीत कर आ रहा हूँ। हे नारद जी, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह मद व अभिमान मिट जाते हैं, भला कामदेव आपका क्या बिगाड़ सकता है? सुनी मोह है कोई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। हे मुनि, वो तो उसके हृदय में होता है जिसके हृदय में ज्ञान व वैराग्य नहीं होता है। हे ऋषिराज, आप तो ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करने वाले,
तथा धैर्य के धारण करने वाले हैं। भला कामदेव आपका क्या बिगाड़ सकता है? नारद कहे सही तेरा बिमाना कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। हाँ प्रभु, आपने ठीक ही कहा है, आपकी कृपा से भला कामदेव मेरा क्या बिगाड़ सकता है। प्रभु आज्ञा हो तो मैं वैकुंठ भ्रमण कर आऊं। जैसी आपकी इच्छा। करुणा निधि मन दीप विचारी पूरे कर भीतर उठारी। इस अहंकार वृक्ष को जल्दी ही उखाड़ना होगा क्योंकि सेवक का हित करना ही मेरा प्रण है। नारद जी के हृदय से अहंकार रूपी को समाप्त करने पर ही ऋषिराज का कल्याण होगा। इसमें मुनि का कल्याण तथा मेरे लिए खेल होगा, ऐसा मैं अवश्य ही करूँगा। भगवान प्रणाम। अब अपने सेवक को आज्ञा दीजिए। आप तो जानते हैं कि मैं अधिक समय तक एक ही स्थान पर नहीं रह सकता। अच्छा ऋषिराज, जैसी आपकी इच्छा। विष्णु का व्यापार योग माया जिस रास्ते में देवर्षि नारद जा रहे हैं उसमें सुयोजन कर नगर बसाया जाए। उस नगर की सुंदरता वैकुंठ से भी अधिक होनी चाहिए। उस नगर के सभी स्त्री पुरुष अत्यंत सुंदर हैं। मान कामदेव प्रगति ही मनुष्य शरीर धारण कर वहां रह रहे हैं। उस नगर में अनेक हाथी घोड़े और सेना सहित शीलनिधि नामक राजा हो। उस राजा के विश्व मोहिनी नामक एक सुंदर कन्या हो। वह इतनी सुंदर हो लक्ष्मी भी उसे देखकर मोहित हो जाए। वह राजा राजकुमारी विश्व मोहिनी का स्वयंवर रचाए। उसमें देश विदेश के राजा एकत्रित होने चाहिए। कृपया शांति बनाए रखें। जैसा कि मैं एक बार पुनः दोहराता हूँ, हम जो ये मंचन कर रहे हैं ये अगले साल जो रामलीला होगी उनके पहले का दृश्य है। ये समझना बहुत आवश्यक है हम सब के लिए। और कृपया शांति बनाए रखें। कृपया लेफ्ट साइड में जो जो आपके बहने हैं महिलाएं हैं कृपया थोड़ा सा शांति बनाए रखें। तो अभी क्या हुआ, शिव जी के मना करने पे, ब्रह्मा के मना करने के बावजूद श्री नारद जी अपने अहंकार को रोक न पाए। नारद जी दो मिनट सर, इस सभा ग्रह के दाहिनी ओर जो भी है कृपया शांतता बनाए रखें, क्योंकि दाहिनी ओर अगर आप सभी का विवाह हुआ तो आपको पता है क्या होता है दाहिनी ओर, और वो जितना चिंतन करता है उतना शोर करता है। तो अगर दाहिनी ओर अपने सीधी तरफ से रहे तो कृपया नारद जी और श्री नारायण दोनों के लिए बनाओ। धन्यवाद। मैं आपको एक बार कुछ लोग ने कुछ देर जा रहा हूँ, मैं एक बार थोड़ा संक्षिप्त विवरण देता हूँ। 2 साल पहले हमने सती और पार्वती कहानी का मंचन किया था और हमने अभी शुरू में बताया था कि माता सती की क्या गलत फहमी है लोगों को। माता सती केवल शिव की पत्नी थी, कैसे उन्होंने व्यवसाय लिया था
अग्नि को प्राप्त हुई थी खुद और कैसे उनका पार्वती के रूप में जन्म हुआ था। अभी ये जो कथा आप देख रहे हैं ये है नारद का श्राप। हमने अभी तक देखा कैसे नारद मुनि को घमंड हो गया था कि कामदेव को उन्होंने अपने वश में कर लिया है और ये खुशी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने ब्रह्मा जी के मना करने के बावजूद, शिव जी के मना करने के बावजूद ये बात उन्होंने विष्णु भगवान को बताई। विष्णु भगवान किसी का घमंड कहने नहीं देते, वो उसे तोड़ देते हैं। ये वृत्तांत है। जब विष्णु भगवान ने देखा नारद जी को घमंड हो गया है तो कैसे उन्होंने एक माया जाल की रचना की, जिसमें उन्होंने अपने दूत को ये आज्ञा दी कि वह एक मायावी नगरी की रचना करें जहाँ नारद जी जाएंगे और आगे क्या होगा आप देखेंगे। क्यों भैया, यह कौन सा नगर है? इस नगर का नाम श्रीनिवासपुर है महाराज। यहाँ कोई राजा भी है? जी महाराज। राजा का नाम क्या है? यहाँ के राजा महाराजा सिंह। राजा के कोई राजकुमार है? नहीं, एक राजकुमार है। अच्छा, तो जाओ और हमारे आने की सूचना महाराज को दो और कहो कि देव ऋषि नारद आए। महाराज देवर्षि नारद दरबार में आना चाहते हैं। देवर्षि नारद आपको लेने चाहते हैं। ऋषि राज आपको मेरा प्रणाम। ईश्वर बढ़ाए आपके यश बल और प्रताप। महाराज प्रताप है तो मेरे घर। हाँ हाँ चलिए। राज है महाराज, सेवक राजकुमारी को लेकर आ। जो आज्ञा महाराज। पिताजी का नाम जयराम जी भी पूरा हो। बेटी देवर्षि नारद को भी प्रणाम करो। देवर्षि प्रणाम। हे ऋषि राज, आप तीनों लोगों को यात्रा की कृपा करके मेरी पुत्री की हस्तरेखा देख कर इसके गुण दोष का वर्णन कीजिए। राजन, मैंने हस्तरेखा देखना बंद कर दिया क्योंकि मैंने अभी कामदेव को जीता है, इसलिए स्त्री नहीं कन्या है। अच्छा राज, तो इसकी हस्तरेखा कहती है कि जो भी इसके साथ विवाह करेगा वह अमर हो जाएगा और संग्राम में भी उसको कोई परास्त नहीं कर पाएगा। इस राजकुमारी के साथ जिसका विवाह होगा उसकी जड़ अचर सहित सारा संसार सेवा करेगा। राजन, वैसे तो तुम्हारी पुत्री की हस्तरेखा ठीक है, किंतु जितना जल्दी हो इसका विवाह कर दो,
क्योंकि विवाह में देरी करने से पिता के लिए घातक बन सकती है। अच्छा राजा, अब हम चलते हैं। माँ आ रहे हैं। अभी आप हैं श्री विष्णु की मायावी दुनिया में। ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे इस राजकुमारी के साथ मेरा विवाह हो सके। जब से विश्व मोहिनी को देखा है मन भजन में नहीं करता। हे विधाता, मुझे यह राजकुमारी कैसे मिली? इस राजकुमारी से विवाह करने के लिए परम सुंदर रूप होना आवश्यक है, जिस पर मोहित होकर यह कन्या मुझसे विवाह कर ले। अब तो मैं भगवान विष्णु से ही सुंदर रूप मानू, पर उनके पास जाने में देरी होगी और सारा ही काम बिगड़ जाएगा। इस संसार में भगवान विष्णु के अलावा मेरा और कोई हितैषी नहीं हो सकता, अतः इन्हीं का भजन करना चाहिए। कैसे याद किया प्रभु? जब मैं आपसे विदा होकर गया तो रास्ते में देखता हूँ कि एक सुंदर नगर है, वहाँ के निवासी सुंदर है। उस नगर के राजा का नाम शिलानिधि है। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक सुंदर कन्या है। उसको देखकर मेरा मन अब विवाह करने को आतुर हो रहा है। इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? प्रभु, आप तो जानते हैं मैं सुंदर नहीं हूँ और बिना सुंदरता के विश्व मोहिनी के साथ विवाह होना मुश्किल है, अतः कृपा करके आपकी तरह मुझे सुंदर कभी रूप दे दीजिए। उस राजकुमारी से विवाह करने का यही एक रास्ता है। हे नाथ, जिससे मेरा हित हो आप वही उपाय कीजिए, मैं आपका सेवक हूँ। हे देवर्षि, सुनो, जिसमें आपका हित होगा हम वही उपाय करेंगे, आप विश्वास कीजिए। हे नारद जी, रोग से दुखी होगी यदि कुमतियां मांगता है तो वैद्य उसे नहीं देता है। हे नारद जी, मैंने भी आपका हित करने का निश्चय किया है और आपके हित के लिए मैं आपको हरि रूप देता हूँ। ऐसे मूड हो गए कि वह भगवान की स्पष्ट वाणी को नहीं समझ सके। भगवान का एक रूप वानर रूप भी है और जब भगवान कहते हैं मैं आपको अपना रूप दूंगा तो वो वानर रूप भी हो सकता है। भगवान छत्र हनुमान की। भगवान शंकर ने हमें यह क्यों भेजा है जानते हो? मुझे क्या मालूम, बता दो। इसलिए भेजा है कि भगवान विष्णु ने नारद को बंदर का रूप दिया है और कहा है कि नारद का स्वर्ग में क्या हाल होता है, जाकर देख कर आए। अच्छा, ये तो सामने से नारद जी आए। नारद बाबा प्रणाम। अरे मूर्ख, किसे नारद कहते हो? हम राजकुमार राजकुमार तो हैं। मेरी हंसी उड़ाते हो? साथ देकर अभी राक्षस बना दूंगा। बाप रे बाप, नहीं महाराज, तुम्हें शाप मत दीजिए, हम तो आपके दास हैं। अच्छा, तो तुम हमारे सेवक बन जाओ। जी महाराज। हमारे रूप का वर्णन कर। बैठिए महाराज। भैया, महाराज की आंखें कैसी हैं? महाराज की आंखें? आज की आंखें तो जैसे हलवाई की पट्टी। क्या बकते हो महाराज, हम आपकी आंखों की बढ़ाई कर रहे हैं। आपकी आंखें जैसे नींबू की सी वाके। शाबाश, बहुत खूब। भैया, राजकुमार के दांत कैसे हैं? महाराज के दांत
महाराज के पास जैसे क्या बात है महाराज, आपके दांत जैसे आग के दाने। अति उत्तम, बहुत खूब। भैया, राजकुमार के कान कैसे हैं? ओहो, जैसे अनाज साफ करने का छाजिला। क्या अनर्ग बके जा रहे? राजकुमार जी के कान जैसे नागर बैल के पार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो स्वयंवर में चलते। देश देश के राजा जो आए कर कर के सोला सिंगार सुपार्य विष्णु सुकुमार विश्व मोहना धीरे चलो सुकुमार। महाराज, राजकुमारी जी को तो कोई दूसरा ले गए। महाराज महाराज जरा ये शीशा लीजिए और इसमें अपना मुंह तो देखिए। ओ निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो रामा कपटी पापी दो हसे हम सो ले भूली हसे को। अरे दुष्टों, तुमने हमारी हंसी की है, तुम दोनों पापी जाकर राक्षस हो जाओ। ये हमारा श्राप है, दे हम श्राप की मरी हम जाई जगत मोरी उपहास कराई। हे विष्णु, तुमने जगत में हमारी हंसी कराई है, या तो मैं आज साथ देकर तुमको भस्म कर दूंगा या खुद ही प्राण त्याग दूंगा। तुम्हारे हृदय में ईर्ष्या कपट भरा हुआ है। अथत सिंदूर त्रहि बोराय चुलन प्रेरि निस्पान करावय। अरे विष्णु, समुद्र मंथन के समय तुमने शिवजी को बावला बना दिया और देवताओं द्वारा प्रेरित करवाकर शिवजी को निष्पान करवाया। असुर सुरा विष संकर ही आपुर माम निचार स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। असुरों को मदिरा और शिवजी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी एवं सुंदर कौस्तुभमणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और स्वार्थी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। अरे विष्णु, तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं, इससे जब जो मन को भाता है वही करते हो। भले ही मंद मंदे भल कर हो विस्मय हरस नहीं कछु धरो। अरे ओ विष्णु, तुम भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो, तुम्हारे मन में न तो कोई हर्ष होता है न ही कोई विस्तार। तुम सबको ठक ठक कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो, तुम्हारे हृदय में न तो कोई डर है न कोई शंका। शुभ और अशुभ कर्म तुमको कोई बाधा नहीं देते, क्योंकि अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया। भले भवन अब पायन दीना पाहुगे फल आपन कीना। परंतु याद रहे, अब की बार तुमने अच्छे घर में उतर दिया है जो मुझे छेड़ा, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे।
पंचम होई जब नी धरि देहा सोई तन धरम साथ मन के हां। जिस मानव शरीर को धारण कर तुमने मुझको ठगा है, अब मैं वही शरीर धारण कर रहा हूं, यह है मेरा पहला स्वामी। रपिया कृति तुम की न हमारी, करी है किस सहाय तुम्हारी। हे विष्णु, मैंने तुमसे हरि रूप मांगा था, तुमने बंदर रूप देकर संसार में मेरी हंसी उड़ाई है। मेरा श्राप है, अब तुम्हें बंदरों से ही सहायता लेनी पड़ेगी। अपकार की न तुम भारी, नारी विरह तुम हो बेतुखारी। हे विष्णु, संसार में तुमने मेरा बड़ा अपकार किया है, जिस तरह आज मैं राजकुमारी की वियोग में दुखी हो रहा हूँ, मेरा श्राप है तुम भी स्त्री के वियोग में इसी तरह करते हो। हे देवर्षि, क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ राजकुमारी और लक्ष्मी जी कहाँ गए? देवर्षि, वह तो हमारी माया थी। किसा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। त्रहिमाम त्रहिमाम, हे प्रभु, जो श्राप मैंने आपको दिए हैं वो मिथ्या हो जाए। देवर्षि, ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ। हे प्रभु, आपकी माया के वशीभूत होकर मैंने आपसे बहुत से दुर्वचन कहे हैं। हे नाथ, मेरा यह पाप किस प्रकार दूर होगा? देवर्षि, अब आप जाकर भक्ति के दाता भगवान शंकर का ध्यान कीजिए, जिससे आपके हृदय को शांति मिले। हे ऋषिराज, शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं, जिस पर शिव जी कृपा नहीं करते हैं उसको मेरी भक्ति कदापि प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए हे नारद जी, अब आप निर्भय होकर संसार में विचरण कीजिए, मेरी माया आपको कभी नहीं सताएगी। हमारा उद्धार कैसे रहा होगा महाराज? इसी चर जाई हो तुम दो वैभव विपुल तेज बल हो, कुछ बल विश्व जितब तुम जहिया, धरिए विष्णु मनुज तन तहिया। वत्स, तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। नारायण नारायण। विष्णु विश्व का पालन करता है, तत्व शिव विश्व का संहार करता है, इसीलिए तप से बढ़कर शक्ति प्राप्त करने का साधन दूसरा नहीं। हाँ भैया, हमें ऐसे ही करना चाहिए। मेरी भी यही इच्छा है। पुत्र रावण, मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या मांगते हो? अगर आप मेरे भक्ति से प्रसन्न हैं, तो ऐसे वरदान दीजिए कि संसार को जीत कर सबको अपने वश में कर लो। परंतु तुम्हें इसमें बंदरों और मनुष्यों से डरना होगा। इनका मुझे कोई डर नहीं। एवमस्तु। पुत्र कुंभकर्ण, उठो। कौन? मैं ब्रह्मा। पिता ब्रह्म को कुंभकर्ण की चरण वंदना। पुत्र, वर मांगो। हे पितामह, आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं, तो मुझे निद्रा समझे। तथास्तु। नहीं नहीं, मेरे जीवा से इंद्रासन की जगह निद्रासन निकल गया। हे प्रभु, मुझे इंद्रासन चाहिए। हे पुत्र, यदि तुम्हें इंद्रासन चाहिए तो फिर तपस्या करो। पुत्र विभीषण, उठो। कौन?
मैं ब्रह्मा। पितामह ब्रह्मा को विभीषण का सागर प्रदान। पुत्र वर मांगो। हे पितामह, आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे ईश्वर भक्ति का वरदान दीजिए। तथास्तु। और ये था रावण का दरबार। तीनों भाइयों ने वरदान मांगे थे और रावण को परम जय होने का वरदान दिया था। कुंभकर्ण ने गलती से निद्रा का वरदान मांग लिया था और विभीषण ने धर्म का साथ देने का वरदान दिया था। अब हम अपने आखिरी प्रस्तुति में आ रहे हैं। ये है राजा दशरथ का दरबार। तो जैसा आपको मालूम है, राजा दशरथ की तीन बीवियां थी और उनको कोई पुत्र नहीं था। तो महाराजा ऋषि वशिष्ठ ने से उन्होंने तपस्या की थी जिससे उनको संतान सुख की प्राप्ति हुई थी। तो अभी मंचन है दशरथ जी के दरबार का और वशिष्ठ जी का वरदान जिससे उनको चार पुत्र हुए थे, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और प्रभु श्री राम। तीन पत्नियों के कारण उन्हें तैयार होने में थोड़ा समय लग रहा है। और जितने भी बच्चों ने आज प्रस्तुति की है, जिन्होंने भाग लिया है, आपको आश्चर्य होगा किसी के पास भी ये प्रैक्टिस करने का समय नहीं था क्योंकि लोग अलग अलग जगहों पर रहते हैं और स्कूल खुल चुका है कोविड के बाद। तो सब लोगों ने ये खुद से ही मेहनत किया, उनके पेरेंट्स ने उनको हेल्प किया। सारे बच्चों के लिए एक अच्छी तालियों से उनका हौसला बढ़ाएँ। और मैं आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये मंचन करना तो कठिन था ही, इसे समझना भी बहुत कठिन था। तो आप लोगों ने जिस शांति से इसे सुना और समझने की कोशिश की, तो आप लोग स्वयं के लिए भी एक तालियां बजाने अच्छा रहेगा। तो धन्यवाद और चलते हैं दशरथ जी के दरबार पे। करता हूँ ऋषिराज प्रणाम में आपको। ईश्वर बढ़ाए आपके वंश का हताप। आज अचानक कैसे आगमन हुआ, वह भी पैदल? हे स्वामी, तीन विवाह किए पर आशा लता हरी न हुई। है चौथा पर आने वाला पर अब तक शुभ घड़ी न हुई। क्या जाने कैसा भविष्य है जो अब तक प्रभु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, प्रबल दुख ने घेरा है। ऐसा तरोवर भी क्या तरोवर जिसमें फूल उत्पन्न ना हो। वह जलधर भी क्या जलधर जो जल से भी संपन्न ना हो। गुरुवर अब उपाय वही करो, ये चित्त प्रफुल्लित हो जाए। आंखों में भी आए प्रकाश, आत्मा आनंदित हो जाए। कम से कम एक पुत्र ही हो जिससे रघुवंश बढ़े अपना। पितरों को भी तर्पण पहुंचे, आगे को नाम चले। राजन निराश न हो, शांति रखिए। चिंता है बड़ी चिता से भी, नर को निर्जीव बनाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। हो जाए पुत्र कहीं तो वह क्रोध को स्मशान बनाता है। राजन व्यर्थ है विचार, बेटा कब वंश चलाता है। अब तक सब महान भावों ने अपना यश आप कमाया है। क्या ध्रुव प्रहलाद आदि का पुत्रों ने नाम चलाया है। धैर्य रखिए राजन, आपके चार पुत्र होंगे, चारों भक्तों को सुख देने वाले होंगे जिनकी सारा संसार सेवा करेगा। अब एक दूत रघुपाद राजा के यहाँ भेजकर श्रृंगे ऋषि को बुलवाइए क्योंकि वे उत्कृष्ट यज्ञ कराने में प्रवीण है। जो आए
दिया ऋषि पर। ऋषिराज नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, पधारिए पधारिए। ऋषिराज, महाराज दशरथ के कोई पुत्र नहीं होता है, इसलिए मैंने आपको कष्ट दिया है। आप उत्कृष्ट यज्ञ कराने में पड़े हैं। बड़ पितल को छोड़कर लता और गुलाब पलाश आदि की यज्ञ के लिए संविदा तैयार करो। वशिष्ठ जी, क्या कारण है अभी तक अग्निदेव प्रकट नहीं हुए? वशिष्ठ जी, क्या कारण है अभी तक अग्निदेव प्रकट नहीं हुए? महाराज दशरथ के कुल गुरु रघुनाथ जी, आप उनके नाम की आहुति दीजिए। हे राज, गुरु वशिष्ठ ने जो विचार अपने हृदय में किया है वह कार्य सिद्ध हो गया। आप ये वीर का नाम ले जाइए और अपनी तीनों पत्नियों को हे मुनिराज, अब आप आश्रम पर पधारिए। महाराज ने त्रिएष्ट यज्ञ करवाया था, उसमें स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर खीर के पात्र प्रसाद रूप में दिए हैं। आप तीनों इसे बांट लीजिए। दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर सिद्ध महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजकारी, भूषण वन माला नयन विहारा, शोभा सिंधु करारी, करुणा सुख सागर सब गुण आगर सुख संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयं प्रकट श्री कर ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सो वासी, यह उपयासी सुनत
कबीर मत फिराना हुई बालक सुरसूपा यह चरित जगावई हरि पद पावई तीन परई भव कूपा। हे प्रभु मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं, आप माया दुख और अज्ञान से भरे हैं, ऐसा वेद गायन करते हैं, आप सुख के सागर हैं, सब गुणों की निधि है, ऐसा संत लोग कहते हैं, वही लक्ष्मीपति भगवान मेरे लिए प्रकट हुए हैं। हे प्रभु आपके एक एक रूप में करोड़ों ब्रह्मांड में निवास करते हैं, ऐसा वेद कहते हैं। हे प्रभु चार भुजा वाला पुत्र मेरे यहाँ अवतरित हो, क्या यह हंसी की बात नहीं है? मातल तुझे समझा बतमिया रूप किसी ने कब जन जाई, आपस से हम जो बात कहे अपने मन में तुम ले हो छुपाई, आदर भाव विलोकी के माता प्रकट ही चारो भाई, ईश्वर रूप जो मानो की तो बाल चरित्र बनी नहीं माई। हे माता जी आपके कहने से मैं ये चतुर्भुज रूप को त्याग कर यह शिशु रूप ले रहा हूँ, किंतु जो रूप तुमने देखा है उसकी चर्चा किसी और से मत करना, तथा सदा ही मुझे ईश्वर के वचन पुत्र समझना, नहीं तो मैं बाल लीला कैसे कर पाऊंगा। अच्छा पुत्र अब यह रूप छोड़कर बाल लीला करो तथा संसार को सुख प्रदान करो। महाराज को बधाई हो, महालों में सार पत्र उत्पन्न हो गए। बड़े आनंद की बात है, मंत्री वर सेवक को आज्ञा दीजिए और गुरु महाराज को बुला लावे, आप ब्राह्मणों और गरीबों में खूब दान दक्षिणा कीजिए। सेवक ये रखिए आपका इनाम इस शुभ संदेश सुनाने के लिए। राजन आपके चारों पुत्रों को देखकर मेरा हृदय प्रफुल्लित है। गुरुवर ये आपकी व ईश्वर की कृपा का प्रसाद है। हे ऋषिवर इनका नामकरण संस्कार कीजिए। हे राजन इनके अनेक नाम हैं तथा अनेक ही इनके रूप हैं, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ। जो आनंद सिंधु सुख राशी सीकर ते त्रैलोक सुपासी, जो आनंद देने वाले हैं और सुख के सागर तक जो त्रिलोक के स्वामी है, जो सुख नाम राम अस नामा अखिल लोक दायक विश्रामा, जो सुखों के धाम मैं उनका नाम राम रखता हूँ। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई, जो संसार का भरण पोषण करते हैं और पालन करते हैं उनका नाम मैं भरत लाल रखता हूँ। जाके सुमिरन तेर गुनासा नाम शत्रु हर वेद प्रकाशा, जिनके नाम का स्मरण करने से ही शत्रुओं का नाश हो जाता है उनका नाम शत्रुघ्न रखता हूँ। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार,
गुरु वशिष्ठ ते ही राधा लक्ष्मण नाम उदार। जो लक्षणों के भंडार और राम को प्राणों से अधिक प्यारे हैं, जो संसार के आधार है, उनका नाम मैं लखनलाल रखता हूँ। अति सुंदर राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न। हे पुत्र राम, कल का पाठ सुनाओ। चलती 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 शाबाश। पुत्र लक्ष्मण, तुम अपना पाठ सुनाओ। शाबाश पुत्र लक्ष्मण, शाबाश। बेटे भरत, अपना पाठ सुनाओ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। शाबाश शाबाश। पुत्र शुक्ले, तुम अपना पाठ सुनाओ। शाबाश शत्रुघ्न। और ये होती है समाप्ति इस साल के कथा की। ये पृष्ठभूमि थी अगले साल होने वाले रामायण जी श्री राम जी भरत जी लक्ष्मण शत्रुघ्न का जन्म हो चुका है, रावण सिद्धि प्राप्त करने चला गया है। मिलेंगे अगली बार, और सारे बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां। बच्चे पीछे पीछे अरे आई एम बैक गाइस चलो मैंने बोला था तो रावण तो हम पागल क्यों बस बोलो बढ़िया 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 बिल्कुल हाँ यहाँ पे काम हो Thank you.